ऐसे बहुत सारा ज्वलंत उदाहरण आते हैं हमारे समाज में, तो एक हर बार भी हमारा समाज ला शिक्षा देके छोटे छोटे बात हो गए तो तुरंत आजकल मोबाइल धरे रहते, तुरंत माला मैकेम चले जाते खबर है ना, छोटे छोटे बात और वही बात बहुत सारे कम है। लेकिन तलाक के केस महिला मन के तरफ से आते, बेटी मन के तरफ से आते है ना, तो एक हर बार भी हमारा भी बालोद थाने में आज सम्मानीय हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार महिला कमांडो का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया मिशन पूर्ण शक्ति के तहत, जिसका उद्देश्य था कि हमारी महिला कमांडो को ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय किया जाए, क्योंकि लॉकडाउन के समय थोड़ा सा हमारी महिलाएं निष्क्रिय हो यानी थोड़ा शिथिल हो गई थी, लेकिन फिर भी वो काम कर रही थी अपने घर में अपने गांव में रह के। लेकिन जो बैठकें हो रही थी लगातार हमारे बालोद ज़िले में, वो बैठकें क्योंकि कोरोना के कारण हम लोगों ने उसको ड्राप किया था, तो धीरे धीरे हम लोग महिला कमांडो को और सक्रिय करने के लिए और उनके कार्यों को आगे ले जाने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय से हम लोगों ने चर्चा की, तो उनको एक्टिव करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए और उनको प्रशिक्षण देने के लिए ज़िले के ब्लॉक वाइज ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। तो 4 जनवरी को गुंडरदेही में था, जिसमें गुंडरदेही ब्लॉक की महिला कमांडो आई थी, और आज भी 4 मार्च है तो आज बालोद थाने में हुई है। इसके बाद 3 ब्लॉक हमारे बच्चे हैं, डोंडी लोहारा, गुरूर और डोंडी, तो बारी बारी से वहाँ हम लोग वहाँ की महिला कमांडो को आमंत्रित करके उनको प्रशिक्षण देंगे, जिसमें अभिव्यक्ति ऐप के बारे में भी उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है और गाँव में कैसे साइबर क्राइम को, अपराधों को रोक सकें इसके लिए भी उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही साथ बालिका शिक्षा को लेके और समाज सुधार को लेके हम लोग उनको मोटिवेट कर रहे हैं और ये कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने बालिका शिक्षा को लेके 6,000 गरीब बच्चियों को कापी, पेन, कंपास वगैरह इन्हीं के सहयोग से, गांव के दानदाताओं के सहयोग से हम लोगों ने वितरण करवाया जी। तो मेरा नाम पद्मश्री शमशाद बेगम, मैं अध्यक्ष हूँ सहयोगी जन कल्याण समिति की। और में मिशन पूर्ण शक्ति के तहत लगभग 10-15 सालों से महिला कमांडो द्वारा विभिन्न एक्टिविटीज़ किए जा रहे हैं और समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए लगातार एक्टिवेट हैं। तो उसी तारतम्य में हमने आज एक कार्यक्रम रखा था, जिसमें बालोद ब्लॉक के, डोंडी लोहारा ब्लॉक के महिलाएँ, महिला कमांडो आई थी, जिसमें पद्मश्री शमशाद बेगम मैडम भी उपस्थित थी और हमारे द्वारा उनको एक उद्बोधन कार्यक्रम था, जिसमें हम लोगों ने संवाद किया, लोगों से सुना और आगे भी जो महिला कमांडो के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो नशा मुक्ति के खिलाफ में है या समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं और जो छोटे जो बालकों बालिकाओं के विरुद्ध में जो अपराध होते हैं उनके बारे में है, या फिर समाज में जो, समाज में परिवार के टूटने से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन सब के बारे में एक जागरूकता के रूप में और एक अच्छे से समाज को बेहतर बनाने के रूप में महिला कमांडो की जो कार्य है उस पर संवाद स्थापित किया और आगे इसमें हमने कुछ मार्गदर्शन दिए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।